इन्फॉर्मेटिव स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यासिर मसरूर। रात के इस प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लेके आए हैं आपके लिए तीन खबरें, तीन न्यूज़, तीन इन्फॉर्मेशन टॉपिक्स जिस पे आज डिस्कशन चलेगा। पहला है बबीता फोकट, दूसरा है गोदी मीडिया और तीसरा है पिज़्ज़ा जिहाद। तीनों ही नाम आपको लग रहे होंगे, अलग अलग नाम है और इन तीनों का इंटरकनेक्शन क्या है, लेकिन मैं आपको बता दूं ये तीनों इंटरकनेक्टेड टॉपिक ही हैं। ये तीनों टॉपिक्स डिस्कस करना आपसे ज़रूरी हैं क्योंकि कल से आप सोशल मीडिया पर, न्यूज़ चैनल्स पर भी ये सब डिस्कशन, ये तबसरे सुन रहे होंगे, डिबेट सुन रहे होंगे। तो लिहाजा हमने भी आज सोचा कि कुछ हम भी इस पर कह दें जो शायद आप लोगों के समझ में आ जाए या ये बात उन लोगों तक पहुंच जाए जिसको हम समझाना चाहते हैं। बेहद एक छोटी सी कोशिश है एक यूट्यूब चैनल की, शायद उन कानों तक ये आवाज़ ना पहुंचे, जू ना रहेंगे, लेकिन फिर भी ये हमारा फ़र्ज है कि हम इस बात को आपसे डिस्कस करें, कुछ अपने तर्क भी हम इसमें रखें, कुछ अपनी बातें भी आपसे शेयर करें। जहाँ तक हमने इन तीनों मामलों को समझा है, हमारी टीम ने, इंडियन इन्फॉर्मेटिव टीम ने इन तीनों मामलों को समझकर जो एक राय कायम की है, जो डिस्कशन हुआ, जो डिबेट हुआ, जो आपस में डायलॉग हुआ, उसके बाद हमने इस वीडियो को तैयार करने का फैसला किया। दंगल मूवी आपने ज़रूर देखी होगी। बबीता फोगट का नाम सुन के शायद आपके जहन में ये आ रहा होगा, शायद आमिर खान दंगल 2 मूवी बना रहे हैं, या फिर आपको समझ आ रहा होगा कि शायद कोई और रेसलिंग का कोई इवेंट था, उस इवेंट को बबीता फोगाट ने हिंदुस्तान को जीत के दिया है और हिंदुस्तान का नाम एक बार फिर रोशन किया है। हिंदुस्तानी रेसलर हैं, इनकी काफ़ी इज्जत है, हम भी इनकी इज्जत करते हैं उस वजह से, क्योंकि इन्होंने देश का नाम रोशन किया है। अगर ये ऐसे काम करेंगी तो सब इनकी इज्जत करेंगे, लेकिन अगर ये ऐसे ट्वीट्स करेंगी जिससे कम्युनिटीज़ के अंदर जहर पैदा हो, या हिंदुस्तान के अंदर जो एक सेकुलर देश है, इस सेकुलरिज्म पर कोई आँच आए, तो शायद बबीता जी आपको कोई पसंद नहीं करेगा। हाल ही में बबीता ने ट्वीट्स किए हैं, वैसे तो मल्टीपल ट्वीट्स थे लेकिन सिर्फ दो ट्वीट्स पे हम बात करेंगे। पहले ट्वीट्स इन्होंने लिखा था जमातियों के विरुद्ध, बल्कि सभी इनके जो ट्वीट्स हैं वो जमातियों के अगेंस्ट ही हैं। जमातियों के अगेंस्ट ही किसको क्या शो करना चाहती हैं ये बेहतर तरीके से जानती हैं। एक कम्युनिटी को लोग इस वक्त टारगेट कर रहे हैं, जमाती कोई एक टर्म नहीं है, जमाती कोई एक सेगमेंट नहीं है। इस्लामिक जो मुस्लिम्स हैं हो सकता है उनके अंदर ये सेगमेंट्स हों, लेकिन और लोगों के हिसाब से सेगमेंट्स नहीं है। अगर जमाती कोई नाम लेता है तो इंसान समझता है कि वो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी है, यानी कि मुसलमान है। इससे पहले भी इन्होंने ट्वीट किया था कि मुरादाबाद में एक जमाती की कोरोना वायरस से मौत हुई, मुसलमान की एक मौत हुई, तो आप उसको जमाती क्यों टैग कर रही हैं। बहरहाल उसके बाद मल्टीपल ट्वीट्स इनके हुए थे। ट्वीट्स का जो इस वक्त ट्रोल हो रहा है, कुछ लोग इनको सपोर्ट भी कर रहे हैं, उन्होंने लिखा था अपने ट्वीट में कि कोरोना वायरस देश की दूसरी समस्या है, जबकि जाहिल जमाती आज भी पहली समस्या है। ये ट्वीट उन्होंने किया था, उसके बाद इनको ट्रोल होना शुरू हुआ, लोगों ने ट्रोल करना शुरू किया, कुछ लोगों ने इनको लिखा कि जिस धर्म को लेकर आप विशेष टिप्पणी कर रही हैं, जिसके अगेंस्ट कर रही हैं, शायद इससे पहले आपको कोई जानता भी नहीं था। एक महिला ने ट्वीट किया था कि इससे दंगल फिल्म से पहले आपको कोई नहीं जानता था, आमिर खान ने आपको स्टार बनाया, सिर्फ क्रिकेट को लोग पसंद करते हैं, क्रिकेट के अलावा बहुत से ऐसे खेलों के खिलाड़ी हैं जो आपको पानी पूरी बेचते हुए बाजारों में मिल जाएंगे। को दंगल फिल्म आने से पहले कोई भी नहीं जानता था, हम भी नहीं जानते थे। वो क्यों नहीं जानते थे? क्योंकि हमारे देश की एक ट्रेंड है, या हम कह लें बीमारी है, मीडिया जिसको दिखाना चाहती है, मीडिया जिसको स्पेस देती है, वही लोग चलते हैं, जिसको मीडिया स्पेस नहीं देती है उनको शायद कोई याद भी नहीं करता। आप बहुत बड़ा कारनामा कर दें, आप IAS का एग्ज़ाम पास कर लें, टॉप कर लें, अगर मीडिया चाहेगी तो ही आपको स्पेस मिलेगी, मीडिया नहीं चाहेगी तो बहुत से IAS ऑफिसर्स हैं, बहुत से IAS क्वालिफाइड लोग हैं, वो एक कोने में पड़े हुए हैं, अपनी नौकरी ड्यूटी कर रहे हैं, पोजीशन संभाले हुए हैं, लेकिन मीडिया में उनको फेम नहीं मिला।
मीडियम में फेम उन्हीं को मिलता है जिनको मीडिया चाहती है। लेकिन कुछ सालों से मीडिया, शायद कुछ मीडिया चैनल्स, अपना जो प्राइम ड्यूटी है उसको भूल गए हैं और इसलिए उनका नाम गोदी मीडिया रख दिया गया है, क्योंकि उनकी जो न्यूज़ देने के नज़रिए हैं वो बदल गए हैं। न्यूज़ महज टीआरपी के लिए बनाई जा रही हैं, जो न्यूज़ का एक मकसद है उस मकसद से वो लोग भटक गए हैं और कुछ सालों से सिर्फ एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को हर चीज़ में लाकर थोप दिया जाता है। शायद कोरोना वायरस में किसी को नहीं लगता था कि ये भी, इसको भी हिंदू मुस्लिम बना दिया जाएगा। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि कोरोना वायरस का जन्म तो चाइना में हुआ, लेकिन इसका जो रिलीजन है, मतलब के जो इसका धर्मकरण है, वो हिंदुस्तान में हुआ। शायद किसी और देश में इसको ये नहीं कहा जा रहा है, आज हिंदुस्तान में ये माहौल बनाया जा रहा है कि कोरोना वायरस सिर्फ जमातियों के वजह से फैला है, सिर्फ मुसलमानों का इसमें हाथ है, इसलिए ही कोरोना वायरस फैला हुआ है। ये जहर घोल कौन रहा है, सिर्फ हमें इसकी तह पर जाना चाहिए कि ये खबर हमारे तक कौन पहुंचा रहा है। हम ट्विटर से अकाउंट खोल के देखेंगे तो हमें यही जहर मिलेगा, हम व्हाट्सएप पे जाएंगे यही जहर मिलेगा, हम इंस्टाग्राम पे जाएंगे हम यही जहर मिलेगा, रिमोट उठा के टीवी को खोलेंगे तो यही जहर मिलेगा। जब जो बात चारों तरफ से कही जाती है तो वो जहन में उतर जाती है, जो सुन भी रहे हैं आप, देख भी रहे हैं, तो फिर इंसान उसको बोलने भी लगता है। तो शायद 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 ऐसा लगता है कि बबीता फोगाट को भी यही असर हुआ है, इसलिए उन्होंने मल्टीपल ट्वीट्स कर दिए हैं। बहरहाल ट्रोल हो रही हैं जाहिल जमाती नाम से हैशटैग ट्विटर पे चल रहा है। जब लोगों ने ट्रोल किया तो कुछ और लोग बबीता के सपोर्ट में आ गए, उन्होंने एक और हैशटैग बना दिया कि आई सपोर्ट बबीता फोगाट, वी सपोर्ट बबीता फोगाट, मतलब के हम इस तेल में और आग डालेंगे। देखिए इस चीज को एक बार फिर से गौर से सुन लीजिए, फिर से ठंडे दिमाग से सुन लीजिए, ये जितने भी लोग हैं ये हम या आप नहीं हैं, ये हम आप नहीं हैं, ये अकाउंट्स चलाने वाले लोग प्रोफेशनल्स हैं, ये यूज़ करते हैं एक्ट, बड़े बड़े नेता अभिनेताओं, जो जो बड़ी बड़ी पर्सनैलिटीज़ हैं उनको यूज़ किया जाता है, उसके बाद वन टू वन करके ये जहर घोला जाता है। इसमें हम और आप नहीं हैं, यही लोग एक्टिव होते हैं, इनको पता रहता है कि इसके बाद क्या रिएक्शन आएगा, उसके बाद इनकी टीम बनी होती है उस पर हमें क्या रिएक्शन करना है। तो हम और आप लोग कोरोना वायरस की इस बीमारी में कोरोना वायरस से लड़ें, ना कि हम आपस में लड़ें। आपस के झगड़ों में बहुत टूट चुके हैं। देखिए एक सिंपल सी एग्जांपल है कि अगर कुछ लोग इंडिया में मॉब लिंचिंग करते हैं, अगर कुछ मुसलमानों की मॉब लिंचिंग होती है उसमें कुछ हिंदू लोगों का नाम आता है, तो हम ये नहीं कह सकते कि सारे हिंदू मॉब लिंचर हैं, कुछ लोगों की वजह से, हम सबको नहीं कह सकते हैं। आप सोचिए कि अगर हिंदू बाहर के देशों में हैं, अरब कंट्रीज़ में हैं, दुबई में लोग अगर उनकी इसी नाम से लोग पहचानने लगें कि ये तो हिंदू है, दैट्स मीन दे आर मॉब लिंचर, तो हमें कितना बुरा लगेगा, पर्सनली मुझे बहुत बुरा लगेगा। तो ऐसे ही अगर कुछ जमातियों की वजह से ये बीमारी फैली है या इसका रेशो बड़ा है, तो हम सारे मुसलमानों को टारगेट नहीं कर सकते हैं। सिर्फ यही मैं अपने स्तर से आपको बताना चाहता हूँ। बहरहाल दूसरी बात हम कर लेते हैं गोदी मीडिया की। मोदी जी ने कहा था कि किसी भी एम्प्लॉय की आप तनख्वाह ना काटें, कोरोना वायरस में किसी की नौकरियों पे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, हो सकता है लोग एब्सेंट हो लॉकडाउन की वजह से, कन्वेंस ना मिलने की वजह से, पब्लिक ट्रांसपोर्ट ना मिलने की वजह से ऑफिस ना पहुँच पाए, तो उनके साथ नम्रता बरती जाए, उनके साथ रहम का मामला किया जाए। लेकिन अभी दो दिन से आप देखेंगे कि बहुत चैनल्स हैं, मीडिया हाउसेस हैं, जिन्होंने नौकरियों से निकाल दिया है। वो क्यों निकाल दिया है? क्योंकि इनके पास ऐड नहीं आ रहे हैं। ऐड क्यों नहीं आ रहे हैं? वो इसलिए नहीं आ रहे हैं क्योंकि जो कंपनी ऐड देती हैं वो खुद घाटे में हैं। जब आपका सामान बिक ही नहीं रहा है तो फिर आप ऐड क्यों करेंगे? जब कस्टमर बाहर निकलकर कोई बड़ा सा टीवी खरीद नहीं पा रहा है तो फिर टीवी का ऐड क्यों वो आपके चैनल पर दिखाएगा? तो आपने क्या किया, आपने छटाई शुरू कर दी। बहुत से रिलायबल्स मीडिया हाउसेज हैं, इन लोगों को नौकरी से निकाला है। इसका क्या मतलब बनता है कि आप अपने प्रधानमंत्री की बात नहीं मान रहे हैं तो फिर आप किसकी बात मानेंगे? यानी कि सिर्फ आपको पैसा और टीआरपी चाहिए? कैसे मीडिया हाउसेज हैं आप? बहरहाल ये खबर आप तक नहीं पहुंच पाई,
अब ये खबर क्यों नहीं पहुंच पाई आप तक? वो इसलिए नहीं पहुंच पाई क्योंकि यही लोग तो भैया आपको ये वीडियो दिखाते हैं, यही लोग तो आपकी न्यूज़ दिखाते हैं, तो ये लोग अपनी खामियों को आप तक क्यों पहुंचाएंगे? बहरहाल आज के तीसरे टॉपिक पे पहुंचते हैं। मैं आज इसको बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक कहूँगा। इंटरेस्टिंग टॉपिक इसलिए कहूँगा क्योंकि कुछ सालों से नए नए वर्ड्स हमें सुनने में आ रहे हैं। पहले सिर्फ जिहाद सुनने में आता था, अब सुनने में आया वर्ड लव जिहाद। अटपटा था लेकिन कानों को अब ये अल्फाज सुनने की आदत हो गई। अब एक नया वर्ड निकल के आ रहा है कल से, पिज्ज़ा जिहाद। पिज्ज़ा जिहाद, सोच सकते हैं आप के क्या कनेक्शन, एक खाने की चीज़ को जिहाद से मिला रहे हैं, दोनों को प्लस कर रहे हैं। अभी तक आप समझ रहे होंगे कि ये हम आपके बस की बात नहीं है, ये आम हिंदू या आम मुसलमानों की बस की बात नहीं है, ये टीम्स बैठी हैं, टीम्स इन पे वर्क कर रही हैं, टीम्स निकाल निकाल के लाती हैं। दरअसल मामला था दिल्ली का, दिल्ली का एक पिज़्ज़ा बॉय ने पिज़्ज़ा डिलीवरी करा। उस पिज़्ज़ा बॉय को 19 साल की उसकी उम्र थी, कुछ रोज 21 का भी बता रहे हैं। उसका टेस्ट किया गया तो पता चला कि वो COVID-19 से प्रभावित है। अब उसने 72 फैमिलीज में साउथ एक्स, दिल्ली साउथ एक्स में मालवीय नगर हौस खास के एरियाज में उसने फैमिलीज को पिज़्ज़ा डिलीवर किया था। वहाँ पर जब मालूम चलने के बाद 72 फैमिलीज को, 72 फैमिलीज को क्वारंटाइन कर दिया गया है, होम क्वारंटाइन कर दिया गया है। बहरहाल पिज़्ज़ा कंपनी कह रही है, वो जोमेटो से कह रही है कि जोमेटो ने डिलीवर किया था। जोमेटो कह रहा है कि रेस्टोरेंट में काम करता था, वहाँ से संक्रमित होकर आया होगा। बहरहाल जो भी चीज़ें हैं, इन्वेस्टिगेशन चल रही है इसको क्या हुआ कैसे हुआ। लेकिन कुछ लोग इसको भी ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक पे पिज़्ज़ा जिहाद बना रहे हैं, मतलब कि एक साजिश है, साजिश के तहत लोगों को कोरोना वायरस दिया जा रहा है। लोगों की सोच है, इस सोच पे हम आप क्या कह सकते हैं, लेकिन आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं कि आपको वीडियो कैसी लगी और आपका देश की आवाम के लिए क्या मैसेज है। ऐसे मुश्किल वक्तों में उनको आपस में लड़ना चाहिए या कोरोना वायरस से लड़ना चाहिए? तो फिर किसी और इन्फॉर्मेटिव न्यूज़ से होगी आपके साथ मुलाकात। जय हिंद।